हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नामा। आज का टॉपिक है स्टोरी द स्पैरो एंड द एलिफेंट, चिड़िया और हाथी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। टू स्पैरोज, दो चिड़िया, हस्बैंड एंड वाइफ मतलब पति और पत्नी, बिल्ड अ नेस्ट ऑन अ बनियान ट्री। उन्होंने एक घोंसला बनाया किस पे? बरगद के पेड़ पर। वेयर द फीमेल स्पैरो लेड एग्स, जहाँ मादा चिड़िया ने अंडे दिए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, A wild elephant came to the tree. एक जंगली हाथी पेड़ के पास आया, seeking shelter from the sun, धूप सेकने, unable to bear the heat, गर्मी सहन करना, unable to bear the heat, उसे गर्मी सहन नहीं हुई। The tusker suddenly went. Tusker means जो होता है टस्कारने वाला, मतलब फुसकारने वाला। Suddenly went frenetically violent, अचानक से वो हिंसक रूप में आ गया। And snap a big branch of the tree, और snap a big branch, बड़ी शाखा, पेड़ की बड़ी शाखा को snap मतलब तोड़ दिया। Crushing the sparrow's egg in the nest, और कुचलते हुए किसके? चिड़िया के अंडों को भी, जो घोंसले में अंडे जो रखे थे उसे भी कुचल दिया। द स्पैरो पेयर सम हाउ एस्केप द फरी ऑफ द एलिफेंट। द स्पैरो पेयर, चिड़िया की जोड़ी, सम हाउ एस्केप किसी तरह बच गई द फ्यूरी ऑफ द एलिफेंट, हाथी के प्रकोप से। बट लेकिन द वाइफ बिगन क्राइंग फॉर हर एग्स, लेकिन जो पत्नी ने, द वाइफ बिगन क्राइंग फॉर द फॉर हर एग्स, अपने अंडों के लिए रोना शुरू कर दिया। अ वुड पिकर, एक कटफोड़वा, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द स्पैरो, बहुत नज़दीकी दोस्त था किसका? चिड़िया का। हियर हर क्राइंग एंड मूव बाई हर, उसकी रोने की आवाज़ सुनी और उसकी ओर आया। हर ग्रीफ आस्क हर, मूव्ड बाई हर ग्रीफ, उसके दुख को सुनकर पूछा, Why are you crying, my friend? तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? Wise man do not grieve. Wise man, समझदार आदमी, do not grieve, रोते नहीं हैं, दुखी नहीं होते। What is lost, क्या खोया, और what is dead, क्या मरा, और what is past, क्या आती। That is the difference between a learned person and an unlettered man. That the difference between a learned person, एक बीच में अंतर होता है, एक अंतर होता है किसके बीच में? learned person मतलब विद्वान व्यक्ति, learned person मतलब विद्वान या पढ़े लिखे व्यक्ति, and an unlettered man, और एक अनजान व्यक्ति के बीच में। The female sparrow said, female sparrow said, मादा चिड़िया कहती है, the winged elephant has destroyed my offspring. The winged elephant means होता है एक दृष्ट हाथी, has destroyed, नष्ट कर दिए, my offspring, मेरी संतान को। If you are a true friend of mine, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो, suggest a way to kill him, मुझे एक सलाह दो, एक मशवरा दो उसे खत्म करने के लिए। In my, और मेरी नज़र में, he who harmed a person in trouble, in my view, मेरे विचार में, he who harms a person, वह जो मुसीबत में किसी व्यक्ति को सताता है, in trouble मतलब सताना, और he who ridicules a person in a sorrow deserve to be punished, and he who punished such a person has no rebirth, जो किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाता है, ridicules a person of in sorrow, deserve to be punished, and he who punished such a person has no rebirth. कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे, दंडित करना चाहिए। What you say is right, आप जो कहते हैं वह सही है। Said the woodkeeper, कौन कहता है ये? कटफोड़वा कहता है ये, कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। He is a friend, दोस्त होता है, who comes to your aid, जो आ जाए, when you are in need, जो आपकी मदद को आ जाए, जब आपको
नीड मतलब ज़रूरत हो, वही एक सच्चा मित्र होता है जो काम पर काम आ जाए। एवरीवन ट्राइज टू बी फ्रेंडली, हर कोई कोशिश करता है आपका दोस्त होने की। व्हेन यू आर प्रोस्पेरिंग, जब आप समृद्ध होते हो तो हर कोई क्या करता है, दोस्त बनने की कोशिश करता है, अपना आपको दोस्त बताता है आपका कि हाँ मैं ही दोस्त हूँ। व्हेन यू आर प्रोस्पेरिंग यू विल सी हु रिसोर्सफुल आई एम, आप देखेंगे हाउ रिसोर्सफुल आई एम, मैं कितना साधन संपन्न हूँ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ फ्लाई, मेरा एक दोस्त है जो एक मक्खी है। विद हीज हेल्प, उसकी मदद से वी कैन किल द एलिफेंट, हम हाथी को मार देंगे। टेकिंग द फीमेल स्पैरो विद हिम, मादा चिड़िया को ले जाते हुए द वुड पिकर कॉल्ड ऑन द फ्लाई, कठफोड़वे ने चिड़िया को बुलाया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा दिस इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब ये मेरा सबसे पक्का मित्र है, सबसे प्रिय मित्र है। ए वाइल्ड एलिफेंट हैज स्मैश्ड हर एग, एक जंगली हाथी ने इसके अंडे को कुचल दिया। यू मस्ट सम हाउ फाइंड अ वे टू किल दैट एलिफेंट, तुम ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि हम हाथी को मार सके। वी नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी जरूरत है। द फ्लाई सेड, मक्खी ने कहा आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हु इज अ फ्रॉग, जो कि एक मेंढक है। लेट अस गो टू हिम, हम उसके पास चलते हैं एंड सीक हिज हेल्प ऑल्सो। द फीमेल स्पैरो चिड़िया, द वुड पिकर एंड फ्लाई वेंट टू द फ्रॉग, मादा चिड़िया कटफोड़वा और मक्खी मेंढक के पास गए। एंड नरेटेड द इंटायर स्टोरी ऑफ द स्पैरोज ग्रीफ, मेंढक को शुरू से कहानी सुनाई चिड़िया की। द फ्रॉग सेड, मेंढक कहता है व्हाट इज एन एलिफेंट बिफोर अ यूनाइटेड क्राउड लाइक अस, व्हाट इज एन एलिफेंट, हाथी क्या है बिफोर अ यूनाइटेड क्राउड लाइक अस, मतलब हमारी एक भीड़ से पहले एक हाथी क्या है। डू एज आई टेल यू, जैसा भी मैं बताता हूँ वैसा करना है। डू जैसा, डू मतलब करना, आई टेल यू जैसा कि मैं बताता हूँ। ओ फ्लाई मक्खी, गो टू द एलिफेंट, हाथी के पास जाओ। वेन द सन इज हाई, जब सूरज आकाश में ऊंचा हो, इन द स्काई आकाश में ऊंचा हो क्या सूरज। एंड अ स्वीट ट्यून इन टू हीज ईयर, और उसके कानों में एक सुरीली आवाज सुनाओ, कौन सी, जो मक्खी करती ना ये वाली। वेन ही क्लोज हीज आईज, जब वो अपनी आंखें बंद करेगा, इन स्टेसी, स्टेसी मीन्स होता है परमानंद, मतलब जो उसे आनंद आने लगेगा तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। द वुड कीपर विल स्कूप हीज आईज आउट, जो कटफोड़ हुआ है वो विल स्कूप मतलब उसकी आंखें फोड़ देगा। ही बिकम्स ब्लाइंड, वह अंधा हो जाएगा। एंड थर्स्टी, प्यासा हो जाएगा। एंड विल लुक फॉर वाटर, और पानी को ढूंढेगा। आई विल गो टू अ क्विक सैंड, आई विल गो टू अ क्विक सैंड, मैं वहां जाऊंगा, क्विक सैंड मतलब रेतीले की तरह। एंड बिगन क्रॉकिंग देयर, और वहां चिल्लाऊंगा। थिंकिंग दैट देयर इज अ वाटर, और वह सोचेगा कि वहां पानी है। द एलिफेंट विल कम देयर, और हाथी वहां पर आएगा। एंड सिंक इन टू द क्विक सैंड एंड डाई, हाथी वहां पर आएगा और तड़पेगा और मर जाएगा। ऑल द फोर प्लेड आउट देयर रोल अकॉर्डिंग टू द फ्रॉग प्लान, चारों ने अपनी भूमिका निभाई मेंढक के कहे अनुसार। एंड कॉज द डेथ ऑफ द एलिफेंट, और हाथी के मौत का कारण बने। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में द फीमेल स्पैरो टोल्ड हर हस्बैंड, मादा चिड़िया ने अपने पति से कहा दैट इज हाउ टुगेदर द फोर फ्रेंड्स किल द एलिफेंट, इसी तरह चार दोस्तों ने मिलकर एक हाथी को मार दिया। मोरल कहानी की जो शिक्षा देती है वो है वेट इज सुपीरियर टू ब्रूट फोर्स, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसकी, स्पैरोज मीन्स गोरेया या चिड़िया, एक ही होता है वैसे। नेस्ट मतलब घोंसला, स्पैरो लेड एग्स मतलब गोरेया अंडे देती है, देती थी। शेल्टर मीन्स आश्रय, अनेबल मीन्स असमर्थ, फसकर मीन्स फुसकार करने वाला जो कि हाथी करता है। फ्रेनेटिकली उन्मत्त रूप से, वायलेंट मीन्स हिंसा करने वाला, क्रशिंग मतलब कुचलते हुए, फरी मीन्स क्रोध, वुड पिकर मीन्स कटफोड़वा, ग्रीव मतलब शोक मनाना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।